हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एनालॉग सर्किट्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका रिमेनिंग पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। CMRR इज इनफाइनाइट, ट्रू होता है। डिफरेंशियल मोड गेन इज इनफाइनाइट, सी। CMRR होता है AD, डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। सो इट विल बी इनफाइनाइट व्हेन दिस कॉमन मोड गेन विल बी जीरो। तो यानी कि इट शुड बी इनफाइनाइट। तो डिफरेंशियल मोड गेन भी इनफाइनाइट होना चाहिए। कॉमन मोड गेन अगर इनफाइनाइट होगा, अगर ये इनफाइनाइट होगा तो ये CMRR के आपका जीरो नहीं हो जाएगा। इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट ट्रू है, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इट इज नॉट ट्रू फॉर एन आइडियल ओप एम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओप एम्प सर्किट कॉन्फिगरेशन। ये किसका सर्किट है? देखिए, ये एक ओप एम्प है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। यहाँ पे एक डायोड लगी है, ठीक है। तो ओप एम्प सर्किट कॉन्फिगरेशन जो भी आपको दिए, किसका सर्किट है? यूनिटी गेन बफर का, स्क्वायर रूट एम्पलीफायर का, प्रिसीजन रेक्टिफायर का, या लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का? तो इसका राइट आंसर होगा कि दिस इज द डायग्राम ऑफ ए प्रिसीजन रेक्टिफायर। ये प्रिसीजन रेक्टिफायर का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि ये जो है, क्योंकि पॉजिटिव में से कनेक्टेड है तो ये वीपी होगा, और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये वीएन होगा, ठीक है। जब आपका वी इनपुट पॉजिटिव होगा, व्हाट विल हैपन? ओपम जो होगा, इट विल ट्राई टू कीप दिस वी आउटपुट इज इक्वल टू वीएन इज इक्वल टू वीपी इज इक्वल टू वी इनपुट। जब ये वी इनपुट आपका पॉजिटिव होगा तो ये जो आपका वी इनपुट कौन सा है? ये वाला। जब वी इनपुट एट दिस नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, तो जो ये आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, इट दिस ओप एम्प विल ट्राई टू कीप द आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू दिस वी एन विच इज एट नेगेटिव इनवर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल टू वी पी विच इज एट पॉजिटिव इनवर्टिंग टर्मिनल एंड दिस इज इक्वल टू वी इनपुट। सो एंड इट डज सो बिकॉज जो फॉरवर्ड बायस डायोड होती है, इट प्रोवाइड्स द क्लोज लूप फीडबैक पाथ। ये क्लोज लूप फीडबैक पाथ प्रोवाइड करता है, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या है कि जब आपका वी इनपुट नेगेटिव होगा तो डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। एंड द ओपम इज वर्किंग इन ओपन लूप, ये ओपन लूप में ऑपरेट करेगा एज शो इन द, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा, जो आपका सर्किट जिसकी वेव फॉर्म बनेगी, जैसे ये आपकी इनपुट वेव फॉर्म है, इफ दिस इज योर इनपुट वेव फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है कि डायोड ऑन है, यहाँ पे भी डायोड ऑन है, ये टी है, ये आपका वी इनपुट है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे ये इस तरीके से केवल हाफ साइकिल में ही ऑपरेट करेगा, यहाँ पे डायोड ऑफ रहेगी, तो ये आपका वी आउटपुट है। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ ए प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस विड्थ ऑफ द गिवन शिमिट ट्रिगर सर्किट इज। देखिए, जो इसकी हिस्टेरेसिस विड्थ होगी वो कितनी होगी? आपको पता है जो अपर थ्रेशहोल्ड पॉइंट होता है, जो अपर थ्रेशहोल्ड पॉइंट होता है हिस्टेरेसिस का, इट इज गिवन बाय अपर थ्रेशहोल्ड पॉइंट ऑफ हिस्टेरेसिस, इट इज गिवन बाय प्लस बीटा वी सेट, इससे दिया जाता है। और जो आपका लोअर थ्रेशहोल्ड पॉइंट है, जो आपका लोअर थ्रेशहोल्ड पॉइंट है, इट इज गिवन बाय माइनस बीटा वी सेट, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस विड्थ जो होती है आपकी, हिस्टेरेसिस विड्थ, दिस विल बी इक्वल टू अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट माइनस लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? बीटा वी सेट माइनस माइनस बीटा वी सेट। बीटा क्या होता है? फीडबैक फैक्टर। तो ट्वाइस बीटा वी सेट आ जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। जहां पे ये जो बीटा होगा, ये होता है आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, राइट। तो यहाँ पे आर वन क्या है? दिस इज योर आर वन, एंड वॉट आर टू क्या है आपका? ये दिस इज योर आर टू। तो यहाँ पे जो आर वन है, दिस विल बी इक्वल टू 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10/15, तो 5 × 2 = 10, 2/3, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस विड्थ कितना था आपका? जो आपका विड्थ था हिस्टेरेसिस का, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस बीटा वी सेट, तो ये जाएगा ट्वाइस इंटू 2/3, और वी सेट कितना दिया है? 15 वोल्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 × 2 = 4 × 5 = 20, तो ये 20 वोल्ट है, तो आंसर विल बी 20 वोल्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर टू रिजेक्ट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन F1 एंड F2 कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय। देखिए, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, कनेक्टिंग इनपुट्स ऑफ बोथ LPF ऑफ, लो पास फिल्टर है,
एलपीएफ लो पास फिल्टर के दोनों इनपुट्स को कनेक्ट करना है जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 है एंड हाई पास कनेक्टिंग इनपुट्स ऑफ बोथ मतलब दो फिल्टर्स होते हैं लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर दोनों के इनपुट्स को कनेक्ट करना है ठीक है जिसका FC F1 है और इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 एंड देन समिंग देयर आउटपुट्स ठीक है इसमें अगर आप देखें तो ये कैसा होगा इसका इसने बोला है बैंड रिजेक्ट फिल्टर कैसा होगा कि यहाँ पे आपका मान लीजिए ब्लॉक डायग्राम में बना रही है LPF है तो यहाँ पे एक हाई पास फिल्टर हो गया राइट फिर यहाँ पे एक समेशन हो जाएगा राइट ये समेशन होगा और ये आउटपुट होगा तो ये प्लस और प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे ये इनपुट हो गया तो यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज F1 यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये F2 है तो कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ LPF विद फ्रीक्वेंसी F1 विद HPF विद फ्रीक्वेंसी F2 यहाँ पे F2 ग्रेटर देन F1 तो आपको पता ही है जब आप समेशन करेंगे तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर का जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा आता है इट इज लाइक दिस वे ऐसा और ऐसा होता है राइट तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये होगा आपका F1 और ये होगा आपका F2 तो यहाँ पे ये A हो जाएगा ये हो जाएगा A बाय रूट टू तो यहाँ पे ये गेन हो गया और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हो गई ठीक है तो ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज लोड रेजिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ गेन ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर अप्रोचेस देखिए जो कॉमन सोर्स फेट कॉन्फिग्रेशन होता है आपका इट इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर ऑफ ऑल द फेट सर्किट कॉन्फिग्रेशन फॉर मेनी एप्लीकेशन इट प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ ऑलराउंड परफॉर्मेंस मतलब ये बहुत ही वाइडली यूज है दिस सर्किट प्रोवाइड्स मीडियम इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस लेवल्स करंट एंड वोल्टेज गेन जो इसका करंट गेन और जो वोल्टेज गेन होता है ये दोनों मीडियम होता है राइट एंड आउटपुट इज द इनवर्स ऑफ इनपुट जो आउटपुट होता है इट इज इनवर्स ऑफ इनपुट यानी कि 180 डिग्री फेज चेंज होता है गुड ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है ये ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जब RL इनफाइनाइट होगा तो जो मैग्नीट्यूड होगा कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ गेन ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर ये म्यू एम्पलीफिकेशन फैक्टर के नजदीक चला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज 50 टू मेक इट एन ऑसिलेटर द फीडबैक फैक्टर शुड बी आपको पता है द बारखाइसेन क्राइटेरिया पता है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एन ऑसिलेशन कंडीशंस ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है ये सर्किट विल ऑसिलेट व्हेन टू कंडीशंस कॉल्ड बारखाइसेन क्राइटेरिया आर मेट दीज टू कंडीशन आर एक तो मॉड ए बीटा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि जो लूप गेन होगा ये जो आपका लूप गेन है इट मस्ट बी यूनिटी और ग्रेटर ए इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज द फीडबैक फैक्टर सेकेंड क्या है जो फीडबैक सिग्नल है फीडिंग बैक एट द इनपुट इट मस्ट बी फेस शिफ्टेड बाई 360 डिग्री इन मोस्ट ऑफ द सर्किट्स इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज यूज टू प्रोड्यूस 180 डिग्री फेज शिफ्ट काफी सर्किट्स में हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करते हैं जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है एंड एडिशनल इसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है फीडबैक नेटवर्क तो यानी कि इसमें जो ए बीटा है इट शुड बी इक्वल टू 0 और 2 पाई होना चाहिए तो टू मेक इट एन ऑसिलेटर द गेन मस्ट बी यूनिटी यानी कि ए बीटा शुड बी यूनिटी होना चाहिए तो यहाँ पे आप देखिए ए कितना दिया है 50 दिया है द गेन मस्ट बी यूनिटी तो ये 50 हो गया एंड बीटा इक्वल टू 1 तो बीटा इक्वल टू 1/50 तो आपका बीटा 1/50 हो गया राइट नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ ए क्लास बी एम्पलीफायर फॉर अ सप्लाई वोल्टेज 24 वोल्ट विद पीक टू पीक आउटपुट ऑफ 6 वोल्टेज देखिए एफिशिएंसी क्लास बी एम्पलीफायर की कैसे निकालेंगे आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर जो कि एसी होती है अपॉन इनपुट पावर जो कि डीसी होती है तो यहाँ पे अगर आप देखें जो इनपुट पावर है आपकी डीसी जो कि डीसी इनपुट पावर है दैट इज इक्वल टू वीसीसी इनटू आईडीसी राइट और जहाँ पे आईडीसी क्या है ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ठीक है सो दिस आईडीसी इज इक्वल टू ट्वाइस आईएम अपॉन पाई होता है राइट अब इनपुट डीसी पावर क्या है जो आपकी ये इनपुट डीसी पावर है दिस इज इक्वल टू व्हाट ये वीसीसी इनटू ट्वाइस आईएम अपॉन पाई हो जाएगा ठीक है तो आउटपुट पावर जो एसी पावर होगी आपकी ये तो इनपुट पावर हुई ठीक है अब जो आपकी एसी पावर होगी जो आपकी आउटपुट एसी पावर होगी वो क्या होगी वो होगी वीएल स्क्वायर आरएमएस अपॉन आरएल तो एफिशिएंसी जो होगी आपकी वो क्या होगी वी स्क्वायर एल अपॉन यहाँ पे
जो आपकी आउटपुट एसी पावर होगी वो क्या होगी, देखिए इसमें यहाँ पे वी एल स्क्वायर बाय हमें ये 2 RL रखना होगा, क्योंकि देखिए वी एल स्क्वायर RMS है, वी RMS क्या होता है, Vm बाय √2, तो इसका स्क्वायर है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Vm स्क्वायर बाय 2, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ Vm स्क्वायर बाय 2 RL, राइट। और इनपुट डीसी पावर VCC इंटू ट्वाइस Im अपॉन पाई लिख सकती हूँ। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये था Vm स्क्वायर अपॉन ट्वाइस RL इंटू ये पाई अपॉन जो था VCC इंटू ट्वाइस Im, यही था ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ होगा पाई बाय 4, ये कुछ पाई बाय 4 आएगा, क्योंकि Im जो था ट्वाइस Im बाय पाई, यही है ना, ट्वाइस Im बाय पाई, तो यहाँ पे ये आपका ट्वाइस RL है और यहाँ पे आपका आपको ऐसे करना पड़ेगा VCC बाय पाई, तो जो भी होगा ये आप कर लेंगे। तो ये पाई बाई 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Vm बाय VCC इंटू 100। तो कैलकुलेशन में आपको VCC कितना दिया है, आपको VCC दिया है 24 वोल्ट, तो यानी कि सप्लाई वोल्टेज तो इतना दिया है, और VLP पीक टू पीक, VLP मतलब पीक टू पीक, यानी का मतलब क्या है कि Vm होगा ये, क्या होगा ये VLP मतलब ये Vm वैल्यू हो गई। मैंने इसको जनरली हम इसको पीक टू पीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीक टू पीक, हम इसको लिख सकते हैं VLP। तो ये वैल्यू कितनी दी है आपको, 6 वोल्ट। जब ये आपको 6 वोल्ट दिया है तो हमारे पास जो परसेंटेज एफिशिएंसी होगी वो होगी पाई बाय 4 इंटू VLP बाय VCC इंटू 100, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 6 बाय 24 इंटू 100, तो 6 4 जा 24, 425, तो ये हो जाएगा कुछ 25 बाय 4, ये पूरा 19.63% आएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कुछ थर्ड ऑप्शन, इसे आप कैलकुलेट भी कर लीजिए, ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस फॉलोइंग गिवन सर्किट रिप्रेजेंट, देखिए देखिए इसमें आर ए आर बी सी दिया है, 555 टाइमर है, पोटेंशियोमीटर भी दिया है, पोटेंशियो रेजिस्टेंस, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन लिख लीजिए, रैंप जनरेटर। देखिए आंसर में क्या है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये मोनोस्टेबल है, या VCO है, या रैंप जनरेटर है, तो इसका राइट आंसर ये है कि ये VCO है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है। द सर्किट इज समटाइम्स कॉल्ड टू वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, इस सर्किट को हम वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड बाय इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के थ्रू आउटपुट फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। जो ये पिन 5 टर्मिनल है, ये वोल्टेज कंट्रोल टर्मिनल है, ये वोल्टेज कंट्रोल टर्मिनल है, और इसका फंक्शन फंक्शन इज टू कंट्रोल द, जो पिन 5 है, इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द थ्रेशहोल्ड, टू कंट्रोल द थ्रेशहोल्ड एंड ट्रिगर लेवल्स, थ्रेशहोल्ड एंड ट्रिगर लेवल्स को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। नॉर्मली जो कंट्रोल वोल्टेज होता है आपका वो कितना होता है, प्लस प्लस 2/3 VCC, बिकॉज ऑफ इंटरनल वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि इसमें इंटरनल वोल्टेज डिवाइडर होता है, इसीलिए जो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है, इट कैन बी अप्लाइड टू दिस टर्मिनल डायरेक्टली और थ्रू अ पॉट, मतलब इसमें जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं, इट कैन बी फेड बाय पॉट, पोटेंशियोमीट्रिक, जो पोटेंशियोमीटर के थ्रू लगाते हैं या डायरेक्टली लगाते हैं। वोल्टेज जो है क्रॉस है, जो टाइमिंग कैपेसिटर होता है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है, विच वेरीज बिटवीन प्लस वी कंट्रोल एंड हाफ वी कंट्रोल, इसमें ये वेरी करता है, ठीक है। इफ कंट्रोल वोल्टेज इज इंक्रीज, अगर कंट्रोल वोल्टेज आप इंक्रीज करते हो, द कैपेसिटर टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू चार्ज, तो कैपेसिटर जो होगा इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू चार्ज, कैपेसिटर विल टेक लॉन्गर टाइम टू चार्ज, ठीक है। तो
चार्ज एंड डिस्चार्ज करने में कैपेसिटर को ज़्यादा टाइम लगेगा एंड द फ्रीक्वेंसी इसीलिए इसकी डिक्रीज हो जाती है. दस द फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द कंट्रोल वोल्टेज एंड कंट्रोल वोल्टेज मे बी मेड अवेलेबल थ्रू पॉट और इट मे बी आउटपुट ऑफ ए ट्रांजिस्टर सर्किट या तो ट्रांजिस्टर सर्किट का कोई आउटपुट होता है, ओपेम होता है, सम अदर डिवाइस होता है. अब आपको इतना पता होना चाहिए कि मोनोस्टेबल क्या होता है, इसकी एक स्टेबल स्टेट होती है. मोनोस्टेबल में क्या होता है, एक स्टेबल स्टेट होती है, इट हैज अ स्टेबल स्टेट एंड एन इट हैज अ स्टेबल एंड ए क्वासी स्टेबल स्टेट. इसकी दो स्टेट्स होती है, स्टेबल एंड क्वासी स्टेबल स्टेट्स. दिस हैज अ ट्रिगर इनपुट टू वन ट्रांजिस्टर. ठीक है, सो वन ट्रांजिस्टर चेंजेस इट्स स्टेट ऑटोमेटिकली व्हाइल द अदर वन नीड्स अ ट्रिगर इनपुट टू चेंज इट्स स्टेट. दूसरा बाईस्टेबल में टू स्टेबल स्टेट्स होते हैं, रिक्वायर्स टू ट्रिगर पल्सेस टू बी अप्लाई टू चेंज द स्टेट्स. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स विल नॉट हैव अ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड या इम्पीडेंस कपल्ड. डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर विल नॉट हैव अ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का होता है वो कुछ ऐसा होता है. मान लीजिए ये गेन है, राइट, एंड ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी है, राइट. यहां पे 3 डीबी का ये होता है, फॉल होता है. ठीक है, तो ये वोल्टेज गेन है, यहां पे होता है ये एवी बाय रूट टू, तो ये जीरो है. और यहां पे ये कितना है आपका, देखिए ये है आपका एफएच. तो लोअर फ्रीक्वेंसी डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज जो डीसी एम्पलीफायर सर्किट होता है इट डज नॉट यूज, ये क्या यूज नहीं करता, इट डज नॉट यूज कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर. ये कपलिंग या बाईपास कैपेसिटर यूज नहीं करता, सो इट्स गेन डज नॉट अफेक्ट एट लो फ्रीक्वेंसी. सो इट्स गेन डज नॉट अफेक्ट एट लो फ्रीक्वेंसी. लोअर फ्रीक्वेंसी सेम एज मिड फ्रीक्वेंसी. इन अदर एम्पलीफायर जैसे आपका आरसी कपल्ड है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड है या इम्पिडेंस कपल्ड है, इसमें बाईपास कैपेसिटर्स यूज होते हैं. इन सब में बाईपास कैपेसिटर्स यूज होते हैं एंड ट्रांसफॉर्मर भी यूज होता है. सो इट अफेक्ट्स द गेन ऑफ द एम्पलीफायर एंड लो फ्रीक्वेंसीज. सो इट अफेक्ट्स द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, इसलिए गेन अफेक्टेड होता है, गेट्स अफेक्टेड. It affects the gain of the amplifier as well as at high frequencies. So in all the above amplifier, lower and higher cutoff frequency exist in the frequency response. ठीक है? Next question है, in common base configuration of a transistor, the output impedances. Common base में क्या होता है? जो आपका input impedance होता है, ये low होता है. और जो आपका output impedance होता है, ये high होता है. मतलब अगर ये ohms में है, तो ये kilo ohms में है. Common emitter में क्या होता है? Medium होता है दोनों का. ठीक है, मतलब इसका हाई होगा. और कॉमन कलेक्टर में क्या होता है? कॉमन कलेक्टर में इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है. ठीक है, ठीक है, बाकी तो ये सब आपने पढ़ा है. तो कॉमन बेस में कह रहा है आउटपुट इम्पीडेंस कैसा होता है, इट इज लो. ये कैसा होगा, ये नहीं, आउटपुट इम्पीडेंस हाई होगा. तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Till then, thank you, okay? Thank you very much.